नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर राज्य की सुर्खियों पर। पटवारी और एईजी पेपर लीक प्रकरण में फरार आरोपी के घर की हुई कुर्की, नोटिस चस्पा कर कराई गई थी मुनादी। कारगिल विजय दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि, भाव के उनके परिजन। देर रात रिहरी झील में डूबी महिला, एसडीआरएफ ने 40 फीट गहराई से बरामद किया शव। डोईवाला इंटीग्रेटेड टाउनशिप का विरोध हुआ उग्र, जनसभा के लिए पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। उत्तराखंड में बारिश का कहर, उफान पर नदियां, मलबा गिरने से खतरे में आए कई घर, पहाड़ों में रास्ते हुए बंद। 316 पदों पर बंद दरोगा भर्ती का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने एकल पीठ का आदेश किया खारिज। देहरादून में मां से मिलने गया युवक नाले में बहा, पुलिस व एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। 2.5 महीने से लापता देहरादून की किशोरी, गाजियाबाद से हुई बरामद, पुलिस को बताई आप बीती, अब आरोपियों को जेल की हवा। करण मेहरा के वायरल वीडियो पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस महामंत्री शाह को नोटिस जारी। दून में 13 साल बाद होगी अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, अमित शाह करेंगे शिरकत। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, 31 जुलाई तक पूरा हो सर्वे, बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए। एएसआई के सर्वे को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर, ज्ञानवा परिसर की विशेष सतर्कता, सोशल मीडिया पर भी नजर। मेरठ में अखिलेश यादव ने कहा गठबंधन से घबराई भाजपा, मणिपुर की घटना को बताया शर्मनाक। प्रयागराज में पुलिस की बर्बरता का शिकार बेटियों ने सीएम योगी को सुनाई अपबीती, कहा पुलिस ने थाने में निर्वस्त करके पीटा। लखनऊ में दरोगा ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस लाइन में थे तैनात। पीएम मोदी और सीएम योगी के आधार डेटा से छेड़खानी कर रहा था एक युवक, गुजरात पुलिस ने बिहार से उठाया। कौशाम्बी में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे में लटका मिला शव, घर वालों से कहा सुनी के बाद उठाया कदम। फतेहपुर में महिला को अगवा कर जंगल में किया सामूहिक दुष्कर्म, पड़ोसी हत्थे चढ़ा। यूपी बालिका ओलंपिक का हुआ शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दी शुभकामनाएं। और मायावती का योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला, बोली प्रदेश में बुलंद है आपराधिक तत्वों के हौसले। सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।